हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रंजिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको नंबर तीन के बारे में बताऊंगी। नंबर तीन के लोग किस तरीके के होते हैं। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया नंबर वन, नंबर टू के लोग किस तरीके के होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इफ़ यू लाइक माई कॉन्टेंट प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर लव्ड वंस। सो नंबर थ्री, तो जो भी लोग नंबर तीन, 12, 21 and 30 बॉर्न होते हैं, वो रूल तीन को करते हैं, तीन नंबर को रूल करते हैं। तीन नंबर होता है जुपिटर का, गुरु, ज्ञान, विजडम, बस इसी तरीके के लोग होते हैं। दे आर वेरी हाईली एम्बिशियस पीपल, दे आर वेरी गुड आर्टिस्ट, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। आपको इतनी जल्दी ये लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं और उन्हें इतनी अच्छे तरीके से निभाते हैं। दे कम्युनिकेट सो वेल, इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। और इन टर्म ऑफ वर्क, अपने काम के लिए किसी भी चीज़ को सेक्रीफाइस कर देते हैं। किसी भी चीज़ को सेक्रीफाइस करने से पहले ये सेकेंड थाट नहीं लेंगे। तो अपने काम के प्रति बड़े ट्रुथफुल और लॉयल रहते हैं। अगर मैं फिल्म इंडस्ट्री की बात करूं तो कुछ फेमस सेलेब्स हैं हमारे जो तीन नंबर को रूल करते हैं, जैसे हमारे गोविंदा जी, हमारे रजनीकांत जी, हमारे सोनू सूद जी। तो आप देख सकते हैं, चाहे वो आर्ट फॉर्म में हो, चाहे वो अपने एक्सप्रेशन हो या फिर अपने काम के तरीके से, कितनी अच्छे तरीके से ये कम्युनिकेट करते हैं, लोग इनसे जुड़ पाते हैं। अगर मैं इनके करियर की बात करूं तो ये बहुत ही अच्छे लॉयर होते हैं, स्पीकर होते हैं। जितनी भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, लाइक टीचिंग, लर्निंग, ये बहुत ही अच्छा करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन मिलेंगे आपको, बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन, प्राउड। मेरे यू नो, ऑलवेज थिंक अबाउट मनी, नॉट इन अ बैड फॉर्म लाइक इन अ गुड फॉर्म, लाइक बिकॉज दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। और ये बहुत ही सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, ये इस पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। ये इवन अपने पेरेंट्स से भी कभी पैसे नहीं मांगेंगे। और यू नो, दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड, बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं। और ऐसे ही लोग इन्हें पसंद भी। सेल्फ क्रिटिक्स बहुत करते हैं, लोगों को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकली जज करते हैं। और ये इनकी अच्छी चीज़ भी है, लेकिन जब ये चीज़ एक्सेस में होने लगती है तो ये यू नो बुरी होने में लगती है। जैसे अगर आप हर वक्त किसी को किसी में खामियां ही निकालते रहेंगे तो नोबडी विल एंजॉय दैट, राइट। ये बहुत ही अच्छे होस्ट होते हैं। अगर इन्होंने कोई घर में पार्टी रखी है तो 0 to 10 ये आपको बहुत अच्छे से एंटरटेन करेंगे। समटाइम्स दे बिकम वेरी अग्रेसिव, वेरी लाउड, कोई चीज़ उनकी पूरी ना हो तो बड़े इम्पल्सिव हो जाते हैं, चीखने चिल्लाने भी लगते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं इनकी जो थोड़ा इन्हें ध्यान रखना चाहिए। अगर मैं इनके नंबर्स की बात करूं तो नंबर तीन, नंबर छः इनके लिए काफ़ी अच्छे और बैलेंस साबित होते हैं। नंबर वन, नंबर टू, नंबर फाइव, नंबर सेवन, ये लोग इनके लिए न्यूट्रल रहते हैं, ना बुरे ना अच्छे, तो न्यूट्रल रहते हैं। नंबर फोर और नंबर एट इन्हें अवॉइड करने चाहिए। अगर मैं इनके फेवरेट कलर्स की बात करूं तो येलो, पर्पल, ब्लू, वाइट, दैट एक्वा मरीन ब्लू, ये कलर्स इनके लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो आप अपने वर्क स्पेस में, अपने ऑफिस में या फिर अपने यू नो कोई इम्पॉर्टेंट मीटिंग में आप जा रहे हैं तो आप इन कलर्स का यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर मैं इनके पर्टिकुलरली प्रोफेशन की बात करूं तो ये बहुत ही अच्छे लॉयर होते हैं और स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करते हैं, बिजनेसमैन बहुत अच्छे होते हैं। कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी काम होते हैं, टीचिंग, लर्निंग, लॉयर, स्पीकर, ये बहुत ही अच्छा करते हैं। और क्योंकि यू नो ये बहुत ही अच्छा कम्युनिकेट कर पाते हैं तो आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे होते हैं, अपने आर्ट से भी बड़ा अच्छा लोगों को जो कहते हैं ना से होल्ड कर लेते हैं। और इनके लिए जो स्टोन आ रहा है वो है येलो सफायर, और ये इनके लिए बहुत अच्छा होता है, इनकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप अपना पूरा यू नो
अपना पूरा चार्ट दिखाएं और तभी कोई स्टोन पहने, क्योंकि और भी प्लैनेट्स देखने पड़ते हैं कि उनकी क्या पोजीशन है। और यू नो कुछ चीज़ें मैं इनके बारे में और ऐड करना चाहूँगी। दे आर वेरी वेरी हार्ड वर्किंग और अपना फ़ायदा ज़रूर देखेंगे लेकिन दूसरों का नुकसान नहीं करेंगे। तो अगर अपना फ़ायदा देखेंगे तो दूसरों का फ़ायदा भी ज़रूर देखेंगे। तो ऐसा नहीं है कि यू नो अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को काट देंगे, वो ये नहीं करते। तो अगर मैं इनके लिए कुछ टिप देना चाहूँ तो यू नो आप अपने थ्रोट चक्र पे ज़रूर ध्यान दें। और अगर मैं इनकी कुछ यू नो थोड़े इम्पल्सिव हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, तो इनको चेस्ट पेन, लंग्स, हार्ट, यू नो इनकी प्रॉब्लम्स, थ्रोट्स से रिलेटेड जितने भी होते हैं यू नो इनको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप यू नो जितना हो सके शांत रहें। वो तो खैर सबके लिए है, बट स्टिल आप जब इम्पल्सिव हो जाते हैं तो उस चीज़ों का आप ध्यान रखें, क्योंकि जो होना है वो तो होना ही है, राइट? आप बेवजह अगर किसी चीज़ का लोड ले लेंगे, क्योंकि आप वर्क प्रेशर बहुत लेते हैं, वर्क लोड आपको बहुत होता है, तो अगर आप वो लेते रहेंगे तो वो आप ही की हेल्थ को बहुत इफ़ेक्ट करेगा। और थर्सडे को येलो ज़रूर पहने, और जितने भी आपके एल्डर्स हैं घर में और ओल्ड पीपल जैसे कहते हैं ना, वैसे तो देखा गया है कि आप ऑटोमेटिकली उनके प्रति बहुत ही ज़्यादा यू नो जैसे आप बदतमीजी नहीं कर सकते हैं, आप वैसे ही बड़े रिस्पेक्टफुल होंगे। और फिर भी अगर आपके अंदर कोई ऐसी क्वालिटी है कि आप डिसरिस्पेक्टफुल रहते हैं और आप अपनी किसी भी, अगर आपकी लाइफ में कोई गुरु नहीं है दैट्स फाइन, लेकिन अगर आपका कोई गुरु है और आप उन्हें यू नो मान नहीं रहे हैं या फिर उनको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, तो ये आपके लिए बड़ा नेगेटिव हो जाता है। तो या तो गुरु बन जाएं या फिर गुरु की शरण में। दैट्स इट गाइज, आज के लिए इतना ही नंबर 3 के बारे में। और आगे आने वाली वीडियोस में मैं पर्टिकुलरली बताऊंगी कि और किस तरीके से आप इस नंबर के साथ और इन्हांस कर सकते हैं अपनी लाइफ को, ठीक है? तो चलिए, मैं आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।